कोई कहता तुम माँ पवन में हो, कोई कहता ज्वाला अगर में हो, ये कहते धरती और जमीन तुम सब कुछ हो, हम कुछ भी नहीं। नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ किस तारा कृष्णा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रो माँ। अगर आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हमें कॉल कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे पहले राशियों के बारे में कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे आज आपके लिए कैसा रहेगा। अविवाहितों को रोमांस के अच्छे अवसर आज मिल सकते हैं, तो रोमांस जारी रखिए। किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान निकाल ही लेंगे। खाने पीने का खास ख्याल रखेंगे तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कहता है कि आज अपनी सेहत सामान्य रहेगी, क्योंकि कुछ नहीं, सिर्फ सामान्य रहेगी, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। थोड़ी थकान भी हो सकती है, लव लाइफ ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, भाई कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है। आपके लिए कहता है स्टूडेंट को आसानी से सफलता मिल सकती है, कार्य विशेष सोच विचार कर करेंगे तो बेहतर रहेगा। अति विश्वास करना कष्टप्रद हो सकता है, तो आज जो है थोड़ा सा सही रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है आपके लिए कष्टदायक हो सकता है किसी पे ज्यादा विश्वास करना। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, भाई आज का टॉपिक है क्या सिंदूर से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है, क्योंकि कुछ सुहागन स्त्रियां होती है बहुत कम सिंदूर लगाती है। नहीं, यहाँ सिंदूर जरूर लगाना, क्योंकि इससे जो है आपके पति को तो फायदा होगा, बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंदूर का एक फायदा मैं बताना चाहूंगी, पार्वती जी को सिंदूर का अभिषेक करते हैं तो सुहागन होने का आपको वरदान प्राप्त होता है। हर सोमवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन यदि करते हैं तो यकीन मानिए माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और शुक्र यानी कि सुहागन होने का वरदान मिलता है। चलिए ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे कॉलर, उनका स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। आज मेरी डेट ऑफ बर्थ 16/7/1983। समय बता दीजिए एक बार। 7:05 सुबह का। जी क्या पूछा जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ, कब तक लगेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, और आपके लिए यहाँ पर देख रहे हैं आपके दशम भाव में मेष राशि संचार कर रही है। सिविल जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा रहेगा। और एक चीज यहाँ बताना चाहेंगे अपने राशि के स्वामी को, यहाँ पर कन्या राशि है आपकी, तो राशि के स्वामी यानी कि बुध को थोड़ा सा स्ट्रांग करना है, बुध थोड़ा कमजोर है। आप पन्ना रतन धारण कीजिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ये करके देखिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय भोलेनाथ। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अच्छा, मैं ना भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1992। और समय बताइए। 6:10 शाम को। क्या पूछा जाती है उसके लिए। उनकी जॉब गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और उनकी शादी कब तक होगी, और उनका फ्यूचर कैसे होगा। चलिए भाई के लिए आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और साथ ही यहाँ पर आपने बात की है कि शादी के लिए। तो शादी के लिए तो यहाँ पर मैं अभी कहूंगी अभी थोड़ा सा विलंब हम कह सकते हैं, मगर जो है यहाँ पर जॉब वगैरह के लिए उनको बोलिए प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करें, इनके लिए बेहतर होगा। और आने वाले समय के लिए यहाँ पर जो है जहाँ जॉब करेंगे जन्म स्थान से अलग हटकर करेंगे, क्योंकि कर्क राशि है और अभी जैसे दशा चल रही है वो बुध की चल रही है, बुध का उपाय करना इनके लिए बेहतर होगा। पन्ना रतन धारण करें, अन्यथा जो है गणेश जी को घास जो होती है कैसे धूप वो चढ़ाया करें, गाय को पालक खिलाया करें, यकीन है इनकी जॉब लगेगी। जय भोलेनाथ। सीमा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। मैं हल्द्वानी से बोल रही हूँ, बेटे के बारे में पूछना है। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है। 9 अगस्त 1990। हाँ, वो दिल्ली में अभी प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो MBA करना चाहता है। जन्म का समय बताइए। 8:30 रात को, बृहस्पतिवार। जी आपने बात की है जॉब के लिए। हाँ जी।
एमबीए के लिए, एमबीए करना चाहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगी एमबीए के लिए जरूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी जो राशि और लगन दोनों ही मीन है, तो यहाँ पर मीन का थोड़ा सा जो प्रभाव है। यहाँ पर गुरु को अगर हम देखते हैं, गुरु 4 डिग्री होके बैठा, तुंगस्त होके बैठा, तो ऐसे में इनको एक चीज यहाँ बताने चाहिए, गुरु का उपाय करा करें, पीले वस्त्र पहना करें, और साथ ही एमबीए के लिए आगे ट्राई कर रहे हैं तो हो सके तो यहाँ पर पुखराज या सुनहरा रत्न धारण करें, अन्यथा जो है करने के बावजूद भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये करके देखिए, जय भोलेनाथ। चलिए दरबार साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, जय माता दी मैडम। जय माता दी मैडम, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। एक तो कि शादी का कहीं भी, सबसे पहले जन्म तिथि बता दीजिए। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 13 जून 1982। और समय बताइए। समय दोपहर के 3:23 जी। अब सवाल पूछिए। शादी के बारे में पूछना था, एक तो काफी उपाय करने के बाद भी कहीं वैसा बात बनती है फिर रुक जाती है, तो ये कब तक होगा विवाह का, और दूसरा सरकारी नौकरी का कब तक लगेगा? शादी के लिए जो आपकी बात बनते बनते टूट जाती है, उसका कारण यह है 12वें भाव में मंगल और शनि दोनों बैठे हैं, यानी कि आप मांगलिक हैं। मंगल दोष का जब तक आप जो है उपाय नहीं कराएंगे, अन्यथा जो आपके विवाह आदि में अड़चन आती है। एक मंगल दोष के उपाय के लिए एक चीज होती है कि सामग्री आती है, यदि आप उसको मंगलवार के दिन उसके थोड़ा हवन पूजा करा करें तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और अभी जैसे दशा है वो शनि की चल रही है, शनि का आपने उतारा करना है, हर शनि की पूजा पाठ जो है साथ साथ आपको जो है उसका उतारा भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा, करके देखिए। और विवाह के लिए मंगल शांति का उपाय करा ले, अन्यथा विवाह आदि में ऐसी अड़चन आती रहेगी। जय भोलेनाथ। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। मैडम मेरा नाम पूजा है और मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताया करें। मेरी 25/6/91 है। और समय बता दीजिए। मैडम समय तो मतलब 3 बजे पर, ये नहीं पता सुबह का या शाम का है जी। 3 बजे बताती हूँ। सवाल पूछिए आप। मैडम वो एक तो मतलब मेरी जॉब नहीं लग रही, और जो भी मैं काम करती हूँ वो मतलब असफल हो जाता है। पूजा एक चीज बताना चाहेंगे, आपने रेड कलर की चीजों का अवॉइड करा करें, मसूर की दाल मंगलवार के दिन आप जितना हो सके दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि देव की पूजा आराधना बिल्कुल नहीं करनी, शनि के 7.5 के प्रभाव में आप चल रही हैं, और वैसे नाम से आपका कन्या बैठता है, कन्या राशि बनती है, मगर यहाँ पर जो हमने कुंडली बनाई है वो आपकी वृश्चिक राशि की है, तो हो सके शनि के 7.5 का उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने कच्चे कोयले लेने हैं 1.25 किलो के करीब, 1.25 किलो लेने हैं, उसके बाद काले कपड़े में लपेटने के बाद हर शनिवार के दिन 9 शनिवार करिए, और जाके किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाके रख के आइए और शनिदेव का उतारा करिए, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। जय भोलेनाथ। बाकी राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या कहता है आज आपका दिन। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कहता है दक्षिण दिशा छोड़कर किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बेहतर होगा। आपके लिए कार्य अधिक रहेंगे, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये याद रखिएगा, तो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंह राशि वालों, आपके लिए आज का दिन कहता है दाम्पत्य जीवन में मतभेद होने से परेशानियां आ सकती हैं, खर्च अधिक होगा, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको आज सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा खर्च होने के यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों, आज का आपका दिन कहता है कि कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, कोई भाई पुरानी चोट लग जाती है उसी वही रोग समझ लीजिए, वो आपको परेशान कर सकता है। आज मानसिक तनाव और भाग दौड़ रहेगी, आज फालतू खर्च भी हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहें आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज, एक उपाय बताना चाहते हैं, यदि आपके लिए एक उपाय है जो सिंदूर का है, पति के मस्तिष्क पर यदि पत्नी अपने मांग का सिंदूर का टीका लगाकर उसे शुभ काम के लिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे कहीं भी ऐसा काम हो जहां पर उसको मुनाफा होने वाला हो, यदि आप उसका टीका करके भेजते हैं, यकीन मानिए उनको विजय प्राप्त होती है, क्योंकि सिंदूर में बहुत ताकत होती है। चलिए हम एक और हमारे कॉलर जुड़े हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो गोपाल जी, स्वागत है। चलिए हम सिमरन जी से बात कर लेते हैं। सिमरन जी स्वागत है। हेलो, दर्शकों से कहना चाहेंगे टीवी की आवाज बंद करके हमसे डायरेक्ट संपर्क करें तो बेहतर होगा। बाकी राशियों पर भी बात करेंगे, उपाय पे भी बात करेंगे, मगर मैं चाह रही हूँ एक छोटा सा हम लेते हैं ब्रेक, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तुला राशि वालों के लिए भी बात कर लेते हैं, भाई आज आपके लिए क्या कहता है दिन। जी हाँ, दैनिक कार्य गति अच्छी रहेगी, कुछ समय मौज करेंगे, उसके बाद जो है अपना कार्य गति में लगे रहेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आशा का संचार होता नजर आ रहा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज के लिए आपका दिन कहता है कार्यस्थल पर वातावरण आपके हिसाब का नहीं होने से मूड खराब हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। और धनु राशि वालों, आज आपके लिए कहते हैं कि करियर संबंधी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, स्वास्थ्य
का कोई भी पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा उपाय बताना चाहते हैं, यदि कोर्ट कचहरी की तारीख पड़ रही हो या कहीं पे ऐसा हो कि कानूनी मसला हो तो क्या करना है, सिंदूर लीजिएगा, 7 बार अपने ऊपर से उतारिएगा और वॉश वॉशिंग में डाल दीजिएगा, क्योंकि बहते हुए जल में या वॉश वॉशिंग में डाल के आप जाएंगे तो यकीनन आपके सारे कार्य बनेंगे और आपको विजय हासिल होगी। चलिए हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, मेरी जन्म तिथि है 17 सितंबर। 17 सितंबर। हाँ, 1965 है। और समय बता दीजिए। समय सुबह के 3:50 स्थान बीकानेर जी। क्या पूछा जाते हैं? मैम ऑफिस में सेक्टर बहुत चलते हैं और संबंध भी लोगों के खराब होते रहते हैं, तो इसका क्या कारण है और क्या उपाय करना चाहिए? संबंध खराब होते रहते हैं, साथ ही यहाँ पर एक चीज मैं बता चाहूंगी, आपके जो है हिसाब है कि दूसरों के लिए आप करते हो, आप अपने आप ही फंस जाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है सिंह लगन के हैं आप, और आपकी जो राशि है यहाँ पर वृषभ राशि है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, चंद्रमा जो है उसके साथ में राहु के साथ में बैठा हुआ है, अचानक आप कहीं ना कहीं वाद विवादों में आ जाते हैं। और अभी जो दशा आपकी जो चल रही है वो शनि की चल रही है, आप शनि का दान पुण्य करा करें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और हर शनिवार के दिन आप हो सके तो नमक ले लीजिएगा, नमक का पैकेट जो है आप लेके किसी भी धर्म स्थान मंदिर में जाके दान करना आपके लिए बेहतर हो जाता है, जिससे जो है आपके नमक में भी जो कहते हैं कि हमारे नमक हमें फलेगा और साथ ही आपके ऊपर जो ग्रह चल रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। एक करके देखिए शनि का दान करिए। जय भोलेनाथ। हेमा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए उसकी डेट ऑफ बर्थ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 1995। और समय बताइए। दिन 23 नवंबर 1995। हाँ, समय बताइए। समय दिन के 12:30 जी। अब बताइए क्या पूछना चाहती है। मैम पूछना चाहते हैं कि मतलब उसकी शादी कब तक हो, जैसा करियर में आगे, अभी बीए कर तो क्या होगा? बीए कर लिया है, आगे करियर के लिए यहाँ जॉब वगैरह के लिए जरूर ट्राई करें बीए करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज है, इसकी कुंडली में पूर्ण रूप से कासव दोष है, उसकी पूजा आराधना करवाइए, अन्यथा जो है विवाह आदि में भी तो अड़चन आएगी आएगी, साथ ही जो है जॉब वगैरह में भी अड़चन, बहुत मुश्किलों से इसको हर चीज जो है मिला करेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। वृश्चिक राशि की है तो यहाँ पे शनि के 7:30 के प्रभाव में चलिए, शनिदेव की पूजा आराधना नहीं करनी है, हनुमान जी की पूजा आराधना करना इसके लिए बेहतर होगा। जय भोलेनाथ। हमारे एक और कॉलर है, चांदनी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, चलिए हम अपने दूसरे कॉलर से बात करते हैं। महेश पाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मैम मैं अलवा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26 जनवरी 2003। और समय बता दीजिए। 4:00 मैम। क्या पूछना चाहते हैं? चलिए यहाँ पर 2003 बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर तुला राशि की है। दूसरी चीज ये यहाँ बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो इसको हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरत है, और साथ ही यहाँ पर जो देख रहे हैं अभी जो दशा इसकी चल रही है वो गुरु की चल रही है, तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि इसके हाथ से अगर हो सके तो हर गुरुवार के दिन, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी अभी से बच्चों को मंगल यानी कि गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र तो पहना सकते हैं, मगर गुरुवार के दिन इसके हाथ से चने की दाल गुड़ के साथ में, और उसके बाद हो सके तो थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिएगा। ये सारी चीजें जो है किसी भी गुरुवार के दिन किसी भी विष्णु जी के मंदिर में जाके दान करवाइएगा, किसी ब्राह्मण को दीजिएगा, इसके लिए अच्छा रहेगा और आने वाला समय भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए भी ठीक रहेगा। जब होने लगा। महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसका नाम है भारत सिंह। भारत की डेट ऑफ बर्थ बताइए। भारत सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1993। और समय बताइए। 18 मार्च 1993 दिन की 11:00 जी। क्या पूछना चाहते हैं उसके लिए? और पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ, पढ़ रहा है वो, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहा है, उसका कब तक क्या हो जाएगा, मतलब पढ़ रहा है वो अभी? अभी पढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक चीज मैं यहाँ पर देख रहे हैं, आपने जैसे बात की है कि पढ़ाई के लिए जैसे कि आप बात कर रहे हैं और आगे करियर के लिए, यहाँ ये बोलना चाहेंगे कि इसको बोलिएगा
जैसे कि ऐसे बच्चे क्या होता है या तो कोई सिविल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए अगर तैयारी करते तो उसके लिए अच्छा रहता है। अभी जैसे कि यहाँ पे इसकी राहु की महादशा चल रही है, राहु का उपाय करवा दीजिए, अन्यथा जो है इसको कहीं ना कहीं अड़चन आती रहेगी। राहु के उपाय के लिए एक तो जो है सौंफ जो है इसके सिराने रख दीजिएगा, उसके बाद दूसरे दिन शनिवार के दिन या तो फेंक दीजिएगा, और वैसे भी परमानेंट जो है थोड़ी सी सौंफ इसके नीचे दबा के रखिएगा। और एक उपाय और बताना चाहेंगे इसको, कहा करिए कि हर यानी कि बुधवार के दिन जो है पक्षियों को बाजरा डाला करें, इससे जो है हमारा राहु थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो हमें अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहा है वो हमें अच्छा प्रभाव देना चालू कर देगा। जो दिमाग में इसकी योजनाएं चलती है उसमें सक्सेस सफलता प्राप्त होगी। ये करके देखिए जय भोलेनाथ। मेघा हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो मैम, 10 जनवरी 1990 और समय बताइए। 7:25 सवेरे। क्या पूछा जाती है मैम? नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी कब लगेगी और शादी कब होगी? देखिए सरकारी नौकरी से ज्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की आपके जो आप बात कर रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, बात होते होते रुक जाती है। गोमेद रतन धारण के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा, और साथ ही यहाँ पर राहु का उपाय करें। राहु का यंत्र जो है उसको जो है आपने पूजा आराधना करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, सिर्फ 11 दिन पूजा करने के बाद उसको बहते हुए जल में जाके डाल के आना है। और आपने बात की है कि हमारी शादी वगैरह के लिए, तो शादी वगैरह के लिए अभी थोड़ा सा विलम्ब है, मगर जॉब वगैरह के लिए प्राइवेट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो बेहतर रहेगा। जय भोलेनाथ। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। ये 10 अगस्त 1988 जी, और समय बताइए। 4:50 जी, क्या पूछा जाते हैं? ये जॉब के लिए पूछ रहा हूँ, तो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो कब तक इस साल मिल पाएगी सक्सेस? बिल्कुल, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर एक चीज मैं बता रही हूँ, आपकी अपने जो लगन के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा के लिए आप चांदी की चीजों का जरूर इस्तेमाल करा करें, चांदी की चीजों का यूज करना आपके लिए बेहतर हो जाता है। और एक चीज और है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर 80% चांस है, हम 100 नहीं कहेंगे, 80% चांस है। और आपकी राशि के हिसाब से थोड़ा सा जो प्रभाव है वो अगस्त महीने के बाद आपके लिए अच्छा होने वाला है, जरूर आप अप्लाई करिए। जय भोलेनाथ। बाकी राशियों के बारे में भी बात करते हैं, क्या कहता है आज आपका दिन। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कहता है धार्मिक कार्य में रुचि होगी, शांति का अनुभव भी होगा, कानूनी मामलों में जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। और कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज बताना चाहेंगे पार्टनर के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं, बेहतर होगा। सरकारी काम में सफलता प्रदान होगी, खान पान में सावधानी बरतेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। मीन राशि वालों, आज आपके लिए दिन कहता है आज आप अपनी परेशानियां शेयर करने के लिए किसी खास को ढूंढें तो अच्छा रहेगा, वही आपकी परेशानियों का हल बता सकते हैं। आमदनी बढ़ाने के तरीकों पर विचार हो सकता है कि कैसे हम अपनी आमदनी बढ़ाएं, इस तरीके का ये सारी चीजें कर सकते हैं। भाई आज का लकी टिप क्या कहता है? आज का लकी टिप कहता है कि कभी भी रात्रि को जो किचन के अंदर झूठे बर्तन कभी ना छोड़ें। यदि आप छोड़ते हैं, या क्योंकि कहा जाता है, भागवत में भी कहा जाता है, बर्तन कभी भी झूठे नहीं रखना चाहिए, अगर रखते हैं तो उसे पानी में धो के रखें, अन्यथा आपको धन की हानि होगी। ये करके देखिए। चलिए कल एक नए विषय के साथ में और नए उपाय के साथ में मैं आपसे करती हूँ मुलाकात। तब तक के लिए मैं क्रिस तारा कृष्णा शर्मा एस्ट्रो मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। जय भोलेनाथ।